आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल इडली, जो कि बहुत ही एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक बनके तैयार होगा और जिसे हर कोई बहुत ही पसंद करेगा। तो जल्दी से हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंग दाल ली है, जिसे अच्छे से पानी से पहले हम इसे धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद जो पानी है ड्रेन आउट कर देंगे। और थोड़ा पानी हम इसे डाल के 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। 4 से 5 घंटे पूरे हो चुके हैं, जो पानी था दाल ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और दाल बिल्कुल रेडी है ग्राइंड होने के लिए। आप देख सकते हैं आसानी से ये दो भागों में कट रही है, मींस दाल रेडी है। अब हम इसे ग्राइंडिंग के लिए जार में ऐड करेंगे। और मैं थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल है उसे भी ऐड कर रही हूँ। और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनेगा, ये दरदरा होगा। और अब मैं इसमें 50 ग्राम के आसपास दही ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और तब तक हम जो तड़का है उसे तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने तेल में कड़ी पत्ता, सरसों, काले सरसों ऐड किए हैं। अच्छे से चम्मच से इसे हिला लेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा ऐड करेंगे। और चॉप्ड गाजर है मेरे पास, उसे ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जो हमारा तड़का है वो तैयार हो गया है। साथ ही मैं इसमें चॉप्ड काजू ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और इसे इडली बैटर में ऐड कर देंगे। अच्छे से बैटर को मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है ये बैटर। और जब बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उस स्टेज पे मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। चॉप्ड धनिया ऐड कर रहेंगे। और जब ये सारा बैटर रेडी होगा तो सबसे एंड में हम इनो ऐड करेंगे। ये तकरीबन 4 ग्राम के आसपास है, सबसे छोटा पैकेट जो इनो का आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से जो बैटर है वो इडली का बनके तैयार है। इडली मेकर को मैंने ऑयल से स्प्रे कर दिया। अगर आपके पास स्प्रेयर नहीं है तो आप ब्रश से या हाथ की हेल्प से अच्छे से बेस पे ऑयल लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है हमें, हल्का ही लगाना है। उतना ही लगाना है कि जितना जो इडली का जो बैटर है वो नीचे की तरफ चिपके ना। और अच्छे से इसे स्प्रेड कर दीजिए ऑयल को। और अब हम इडली बैटर को इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा पूरा नहीं भरना है क्योंकि इडली अभी फूलेगी भी जब हम इसे स्टीम देंगे, तो थोड़ा स्पेस हमें रखना है। दोनों में हम डाल देंगे। तब तक इडली मेकर को मैंने गैस पे रख दिया था, उसमें पानी डाल के। पानी उबलना शुरू हो गया है,
अब हम स्टैंड को इसमें रखेंगे और ढक्कन लगा के हम 5 से 6 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ये अपने आप जब इडली हो जाएगी तो ये अपने आप स्टीम हो जाएगा और ढक्कन जो है अपने आप ऊपर आ जाता है। एक बार चेक कर लेंगे, इडली अच्छे से बन के तैयार हो गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इडली बनके हमारी तैयार है, बहुत ही अच्छा कलर आया है और अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे और नारियल की चटनी के साथ इसे एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।